महाबलेश्वर। महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र की। महाबलेश्वर के लिए आप मुंबई से अगर आएंगे तो आपको 5 घंटे का सफ़र है, 260 किलोमीटर है। मैं आई हूँ लोनावला से, तो वहाँ से 120 किलोमीटर का सफ़र। महाबलेश्वर जाने से पहले रास्ते में एक और खूबसूरत जगह आई और उसका नाम है धोम डैम, धोम लेक। सबसे पहली चीज़ जो दिखाना चाहती हूँ वो है धोम लेक, और साथ साथ आपको इस धोम डैम के बारे में भी बताऊंगी। ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ धोम लेक पे। एक बड़ा ही सुंदर पिकनिक स्पॉट की तरह ये बना हुआ है। यहाँ पे भी बोटिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। महाबलेश्वर के रास्ते में ही रास्ता कट जाता है थोड़ा सा पहले, और बड़ी खूबसूरत जगह है। इतना साफ पानी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है ये लेक, और यहाँ पे बोटिंग करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप बोटिंग नहीं भी कर रहे तो भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के इन वादियों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये लेक धोम डैम ने बनाई है। और आप देखिए 20 किलोमीटर से का एरिया यहाँ पे कवर्ड है और ये लेक बनी हुई है 20 किलोमीटर के एरिया में। लाजवाब नज़ारा है, लाजवाब। स्वैंस को कवर करने में दूसरी तरफ आ चुकी है और ये आपस में कुछ बातें कर रही है। बहुत आसान है यहाँ पे ट्रैवल करना, और इसीलिए आप ये डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग फैमिली टीवी पे देख रहे हैं। कोई भी डेस्टिनेशन जहाँ पे फैमिली के साथ जाना सेफ ना हो उसको हम कवर करते ही नहीं है। तो ये है सह्याद्री बोट क्लब धोम डैम। तो अब हम बैठ चुके हैं बोट में और ये है हमारी धोम लेक की राइड, इसमें हमारे साथ बने रहिए। मिस्टर मेहता फुल फील में धोम लेक की। तो अब मैं यहाँ से धोम डैम, धोम लेक से निकल रही हूँ और मैं यहाँ से आपको ठीक सीधा लेके जा रही हूँ मैप्रो गार्डन। पर आप देख सकते हैं ये है धोम डैम जो कि कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। तो मैं पहुंच चुकी हूं मैप्रो गार्डन, और मैप्रो गार्डन क्यों इतना फेमस है, मैप्रो गार्डन क्यों बना, ये सब आपको ये देख के पता लगेगा। अब देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉबेरी मिल रही है। पंचगनी में और महाबलेश्वर में सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है स्ट्रॉबेरी की, और स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो टूटने के बाद 24 घंटे भी पूरी तरह से नहीं चलता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा था मिस्टर किशोर कुमार वोरा ने। अच्छा भविष्य हमारा, अच्छा भविष्य है। वर्ल्ड टूर, थैंक यू। स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग होती है यहाँ पे और उसी से जैम, स्क्वैशेस ये सब बनाए जाते हैं। और ये यहाँ के रेस्टोरेंट का मेन्यू है। हमने ऑर्डर किया है सैंडविच और उसी के साथ में किया है पिज्ज़ा ऑर्डर। वेजिटेबल से ज़्यादा चीज़ नहीं करवाना जा रहा ना, वो इतना तो होता है यार। मैं तो अपना सैंडविच खाएगा। हम डोमिनोज का थिन क्रस्ट खाते हैं, उसी टाइप का है, मतलब अच्छे लेवल का पिज्ज़ा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने किसी छोटे मोटे कैफे से लेके खा लिया हो, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छी तरह से कुक हुआ है, मतलब रोस्टेड है, ये अच्छा टोस्ट है काफ़ी। एक वुड फायर पिज्ज़ा की फील तो दे रहा है। वुड फायर पिज्ज़ा, वुड फायर ही है। हाँ। अच्छा, तो मिस्टर मेहता बता रहे हैं वुड फायर पिज्ज़ा, मैं एक्चुअली देखने नहीं गई थी वहाँ। हमारा पिज्ज़ा एक्स्ट्रा था तो हम इसको पार्सल करा सकते हैं, पूरा नहीं खाया गया हमसे तो इन्होंने पार्सल किया। और ये है यहाँ की स्पेशलिटी, फ्रेश क्रीम विथ स्ट्रॉबेरी। मैंने स्ट्रॉबेरी ज़्यादा रखवाई है, क्रीम कम रखवाई है, वैसे तो इनका पूरा ऊपर से क्रीम से भरा हुआ होता है।
स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसी है। काफ़ी अच्छी है स्ट्रॉबेरीज, ओवरऑल अच्छी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आगे रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस मैं 8/10 रेट करूँगी। अच्छा खाना है, ऐसा नहीं है कि अपना पार्क चलाने के लिए वो कुछ भी बेच रहे हैं, खाने की क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ इनकी जेली पॉप्स मिल रहे हैं, कॉर्न नाचोज, फ्लेरो कॉम्बो, ये मोइटो की बॉटल मिल रही है और ये इन्होंने मुझे टेस्ट कराया है, अमेजिंग है। फ्लेरो है, इसको भी मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो ये है यहाँ पे सेल्स काउंटर, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स दे रहे हैं मार्केट के अलावा, इन्होंने सब जगह काउंटर्स पर रेट कट करके लिखे हुए हैं कि मार्केट में इतने का और अभी हम इतने का दे रहे हैं, तो यहाँ से बाय करने में आपको ये बेनिफिट होगा। टॉप रेटेड जो 5 रिजॉर्ट्स हैं उनमें से एक है ये, इससे ऊपर ली मेरिडियन है विच इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। एक्चुअली पहुंच चुकी हूँ वेना लेक पे, आप ये मेरे पीछे सारी की सारी कार पार्किंग की भीड़ देख सकते हैं। ये प्रॉपर एक यहाँ पे पिकनिक डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और मैं आपको लेके जाऊँगी वेना लेक पे। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, बोटिंग, ये सब है, और उसके अलावा काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड स्टॉल्स हैं। तो आइए विजिट करते हैं वेना लेक ओनली ऑन ट्रैवलिंग फैमिली टीवी। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे सारे के सारे हॉर्स राइडिंग ऑप्शंस हैं, और ये यहाँ पे भुट्टे के इतने सारे स्टॉल्स हैं, छोटे छोटे फ्रूट सैलेड्स। तो आप व्यू देख सकते हैं वेना बोट क्लब का, और इतना हसीन मौसम है कि मेरी पूरी मुंबई ट्रिप में इतना बढ़िया मौसम मुझे आज तक एक भी दिन नहीं मिला, चाहे मैं मार्केट में आई हूँ चाहे मैं लोनावला हो आई हूँ। तो महाबलेश्वर के मौसम ने बिल्कुल दिमाग को रिफ्रेश कर दिया है, यूनिक ब्यूटी और साथ के साथ महाबलेश्वर का मौसम। और ये है आंटी, ये आई हुई है वेना लेक एंजॉय करने। और ये यहाँ पे हो रही है हॉर्स राइडिंग। मैं बिल्कुल भी हॉर्स राइडिंग करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि माथेरन में इतना मैंने हॉर्स राइड किया कि बस इनफ हो गया। और मैं भी बैठी हूँ हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। इसका नाम क्या है? राना। आपके चैनल का नाम क्या है? ट्रैवलिंग फैमिली टीवी। और अब आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, जल्दी करो। मेरे लिए सवारी मैं इसकी कर रही हूँ राना की, और ये है इसका राइडर। तुम्हारा नाम बोलो? अविनाश। ये किधर चला? और अमेजिंग है ये मौसम, अमेजिंग है ये जगह। बने रहिए मेरे साथ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन इज अबाउट टू कम। और वो मिस्टर मेहता के घोड़े ने उनको बहुत अच्छी सैर कराई है, हॉर्स राइडर की तरह उनको भगाया उस घोड़े ने। स्पीड ले लिया था इसने। हाँ, अगर इसने मेरे घोड़े ने ऐसा किया होता तो मैं शायद ट्रैवलिंग फैमिली टीवी दोबारा शूट नहीं कर रही। तो अब मैं अपने रिजॉर्ट में यहाँ पे आ गई हूँ, रेस्टोरेंट। नमस्ते, ये कपिल जी हैं, ये हमें असिस्ट कर रहे हैं पूरा यहाँ पे। अच्छा, वो ट्री हाउस भी बनाया हुआ ऊपर सिटिंग है।
So what's your review about the food? Chicken tikka. 4 marks out of 10. ऊंची दुकान टीका पकवान बिल्कुल इसका हाल देखो ना तुम चिकन टिक्का कैसा हो रहा है। और ये आ गई है इनकी किंग फिश, ये तवा पे ग्रिल्ड है और सो हाउ डू यू फील अबाउट द फिश? तवे पे ग्रिल्ड है। ग्रिल्ड में तवे पे तो नहीं करते, ग्रिलर होगा कोई, उस पे की हुई है बट नॉट इन द तंदूर। ओके ओके। तो ये था हमारा आज का सफ़र महाबलेश्वर का। इस सफ़र में हम सबसे पहले गए धौम लेक और वहाँ से हम गए मैप्रो फैक्ट्री जहाँ खाई हमने काफ़ी सारी डिलीशियस स्ट्रॉबेरी विथ फ्रेश क्रीम और फिर उसके बाद रिजॉर्ट में किया चेक इन और चेक इन के बाद आराम करके हम शाम को सुहानी सुहानी शाम को एंजॉय करने गए वैना लेक। वहाँ पर हमने की हॉर्स राइडिंग और कॉर्न्स खाए, काफ़ी मज़ा किया और उसके बाद फिर आके किया हमने अपने रिजॉर्ट में एवरशाइन रिजॉर्ट में डिनर और ये दिन ख़त्म हो गया। पर मुझे इस दिन में बहुत ही मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर।